देवाशीष आ जाओ, फिल्टर का पानी से हाथ धो लो। फिल्टर का पानी से हाथ धो लो। मकाउस का केज में हम लोग जाएंगे, एकदम साफ सुथरा होकर जाना चाहिए। तो हाइब्रिड गुड मॉर्निंग, मैं हूं दिवंकर और ये है मेरा छोटा भाई देवाशीष, और हम दोनों करते हैं आप सभी को, मतलब छोटा भाई मतलब एकदम छोटा भाई है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं, जो सारे पुराना व्यूअर्स है उन सबको पता है कि देवाशीष मेरा छोटे भाई है और ये मेरा छोटे भाई है, हम दोनों भाई भाई है। लेकिन मतलब काम के सिलसिले में अलग रहना पड़ता है, चाहता हूँ दोनों के एक साथ रहे, बहुत मजे से रहे, लेकिन हो जाएगा कुछ दिन बाद। मतलब अभी तो काम करने का टाइम है, दोनों को अलग अलग जगह में रह के काम करना पड़ता है, हो जाएगा बहुत ही जल्दी, एक साथ मिलके पूरा वीडियो बनाएंगे और पूरा जैसे बनाते थे बुढ़ापे में एक साथ रहेंगे बिताएंगे। तो हम दोनों करते हैं आप सभी को हम लोगों का यूट्यूब चैनल पर दिवंकर में बहुत बहुत स्वागत। चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ, यहाँ दो मकाऊ का केज है, मतलब इस साइड में एक केज है, यहाँ एक केज है। इस केज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने दो मकाउस का बेबीज को, मतलब यहाँ बच्चा हुआ था, उनको हैंड फीडिंग के लिए लेके गए थे। अब इतना चिल्ला क्यों रहा है? इस केज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने दो मकाऊ का बेबी को हैंड फीडिंग के लिए लेके गए थे। यहाँ ड्रम लगाया हुआ था, इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो पता होगा यही है। दो अभी बाहर है, मतलब अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं है। हाँ, और जैसे बताया था कि यहाँ एक ड्रम लगा हुआ है और उस साइड में नेस्ट बॉक्स। हाँ, जो डर था कि पहले तो यहाँ, मतलब यहाँ ड्रम पे वो लोग ब्रीड कर दिया था और दो बेबी, मतलब पूरा जो नेस्टिंग मटेरियल हम लोग दे के रखे थे वो पूरा भीग गया था देवाशीष। फाइनली हम लोग, मैं और देवाशीष बहुत दिन बाद, मतलब हमेशा रहते हैं लेकिन टाइमिंग नहीं होता, मैं बाहर जाता हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए और इनको घर में फैमिली बिजनेस में रहना पड़ता है, तो एक ही साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस केज में कुछ दिनों से जो देख रहा हूँ, फीमेल हमेशा अंदर रहती है, नेस्ट बॉक्स के अंदर रहती है और मेल बाहर। तो इस नेस्ट बॉक्स को भी आज चेक करेंगे देवाशीष। ये जो नेस्ट बॉक्स है इसको आज एक बार चेक करेंगे, क्योंकि सिम्टम्स बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मतलब जो जैसे होना चाहिए। जब अंडा रहता है ना तो मेल ऐसे बाहर बैठा रहता है और फीमेल अंदर रहती है। और यहाँ सबसे बड़ा खुशी की जो बात है, ये ड्रम तो हम लोगों ने देके रखा था लेकिन इस बार देख रहा हूँ नेस्ट बॉक्स को इन लोगों ने पसंद किया, जो डर था मतलब यहाँ। और बहुत सारा लोगों ने कमेंट्स किया था कि दीपंकर दा, आप अगर ऐसे ड्रम में होल बना देते तो वो जो पूरा भीग गया था ना, मतलब मॉइस्चर बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो इसी के लिए वो बच्चा, मतलब और एक दो दिन अगर लेट हो जाता तो ये जो दो ब्लू एंड गोल्ड मकाओ का बेबी हम लोग देख रहे हैं इसको शायद देखना मुश्किल हो जाता क्योंकि एक्सपायर हो जाता। बड़ा तो ठीक ठाक था लेकिन ये जो छोटा है इसका हाल बहुत खराब था, ये एक्सपायर हो जाने का बहुत ज्यादा चांसेस था। लेकिन अभी इतना अच्छा हेल्थ के साथ धीरे धीरे हम लोगों का घर में हैंड फीडिंग कराने के बाद धीरे 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 बड़ा हो रहा है। तो देवाशीष अभी ये जो ड्रम है ना, इसको रखने का जरूरत नहीं है। जो सोचा था कि नेस्ट बॉक्स अगर ले लेगा ये लोग तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ड्रम से ही नहीं रहता है, ऐसे ही तो लगा दिया था। और अगर ड्रम हम लोगों को बनाना है ना तो मतलब बैडल बॉक्स वुडन का ड्रम शेप का बनाएंगे तो सही रहता है। हाँ, 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 लेकिन लकीली उन लोगों ने तो एकदम बॉक्स ले लिया है। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ड्रम को ऐसे रहने देंगे। और जब वहाँ, मतलब इन लोगों का जो सिम्टम्स फिर से दिख रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी, मतलब वो मक्का उसका बेबी बड़ा होने से पहले ही फिर से शायद ले करेगी। तो अभी हम लोग जो चेक करेंगे बगल वाले का, इसमें क्या है क्या नहीं है वो देखेंगे। उसको बंद करो। रुको यार। अच्छा, ये जो नेस्ट बॉक्स लगा हुआ है ये तो बाहर से हम लोगों को चेक करना होगा। चलो बाहर से जाके चेक करेंगे, आ जाओ। रुको। एक बार ही देखेंगे यहाँ कुछ है कि नहीं। जब फर्स्ट टाइम कोई बर्ड आके नेस्टिंग कर रहा है या अंडा ले करने के लिए सोच रहा है मकाऊ, उसको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए होता है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में बहुत, मतलब अमेजन का रेन फॉरेस्ट में बहुत ऊंचा मोटा बहुत लंबा पेड़ में वहाँ नेस्टिंग करते हैं, वहाँ ही अंडा ले करता है, तो प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मन बना रहा है कि यहाँ ब्रीड करेंगे, अंडा ले करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम खोल के ये सही नहीं रहता है। लेकिन 10-12 दिन से ऐसे देख रहा हूँ कि मेल बाहर बैठा है, फीमेल ज़्यादातर टाइम अंदर रहता है, तो एक बार चेक कर लेंगे। चढ़ जाऊं देवाशीष? बोलो कुछ होगा कि नहीं? हाँ, होगा अगर होगा अभी भी अंदर है, मतलब
बगल वाले का पेयर में नया बच्चा हम लोगों को मिल गया, अगर यहाँ भी रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा तो कितना खुशी मिलेगा। मतलब नहीं, वो बोलना मुश्किल है, बोल नहीं पाएंगे हम सब, वो फील कर सकते हैं लेकिन ऐसे बोल नहीं सकते। दोनों जाके नीचे जाके थोड़ा सा डांस कर लेंगे, ठीक है? क्या भगवान ऊपर वाला गॉड का नाम लेके आप क्या कर रहे हैं? हाँ, अरे नहीं 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 यार, कैमरा तक पहुंच गया कुछ है ऐसा। इस साइड से नहीं, देखो इस पकड़े से, देखो जैक बैग सब पकड़ लिया था कैमरा को। इस साइड से अरे रुको यार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तुम मेरे बंद करो एक टाइम, ये पट्टे ओ गॉड, ओ यार अंडा दिख रहा है देवाशीष। देवाशीष कितने अंडा? ओ दो अंडा दिखा देवाशीष, दो अंडा दिखा सच में। इसलिए इतना ये कर रहा है, इतना ज्यादा एग्रेसिव है। नहीं नहीं सच में देवाशीष दो अंडा है। और एक बार देख लेता हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है, दो दो ओए। हाँ हाँ वाओ ग्रेट, दो अंडा दिख रहा है एकदम। एक एक शायद खराब हो गया है, ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है। अच्छा ठीक है, कुछ भी है, अभी शायद दो हुआ है और भी, मतलब तीन चार करके तो ले करती है मकाओ। ठीक है कुछ भी है देवाशीष सच में है। अभी तो क्या बताऊँ, और ज़्यादा और बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, मतलब पूरा एक महीना और बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसका बगल पास में भी नहीं आएंगे, जो होगा देखा जाएगा। दो अंडा है, एक एक का नीचे साइड थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा कुछ लग रहा है। कुछ भी है, हो या ना हो बड़ी बात नहीं है, अंडा हम लोगों ने देख लिया है। और बगल वाले से कुछ दिन पहले दो छोटा छोटा बेबी से निकल के हैप्पी हैंड फिटिंग में है, इससे बड़ा खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी अभी हम लोगों को जो करना है, दोनों भाई को नीचे जाके डांस करना है। वो सबके लिए नहीं, मतलब कैमरा के सामने नहीं, नहीं तो जिन लोगों को थोड़ा सा डांस पता है वो लोग भूल जाएंगे। तो इसी के लिए कैमरा के सामने नहीं, ऑफ कैमरा हम लोग कर लेंगे। और यहाँ यहाँ जो है हम लोगों का, ओ सिर्फ वॉलनट्स है यहाँ। हाँ ये तो चाहिए होता है, वॉलनट्स एलमंड्स वगैरह, क्योंकि मकाउस के लिए नट मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ और एक दो कुछ देख लेंगे, यहाँ एक बार देख ले देवाशीष। एक बार चेक कर लेते हैं। ओ नहीं ये तो अंदर की साइड में खोलेगा, दिखाओ तो एक बार। फीमेल अंदर बैठी है, अभी तक कुछ नहीं है, बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है छोड़, खाना तो प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, एकदम सब सही है। चलो यहाँ हम लोगों का और एक पेयर अफ्रीकन ग्रे है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब नेस्ट बॉक्स का अंदर है, नेस्ट बॉक्स यहाँ ऊपर है। ठीक है छोड़। और हम लोगों ने जो इक्लेक्टस के लिए जो नया घर बनाया था ना, हाँ हाँ। तो उस दिन जब छोड़ा था उसी टाइम नेस्ट बॉक्स का अंदर चला गया था। एक बार देख लेते हैं, मेल बाहर है, नहीं अभी तक कुछ नहीं है, छोड़ो हो जाएगा। मकाउस का फिर से अंडा आ गया है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकता है। और हम लोगों का वहाँ जो फार्म है, मतलब वो किले हाट में पुराना जो फार्म है, वहाँ भी ऐसे थोड़ा बहुत ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रहा है। और जहाँ नया बन रहा है वहाँ तो हम लोगों का ड्रीम है, ऐसे करके ऐसे प्लान वाइज बनाएंगे, जैसे मतलब बर्ड्स के लिए सही होता है उसी हिसाब से एकदम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। वहाँ हर एक केज में हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। चलो देवाशीष अभी नीचे जाना है, नीचे जाके जो करना है डांस करना है, लेकिन वो वीडियो खत्म होने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और जैसे फ्रेंड्स उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उसके बाद उसका बगल का बेल आइकन घंटी को
वाला बना है, तभी नेक्स्ट टाइम ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो जब यूट्यूब में हम लोग अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोग का मोबाइल अकाउंट तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, चलो 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 चलो।